मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नियत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो दो हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौट आए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से खाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ निजामाबाद में कांग्रेस का एहतजाज। एहतजाजी कायदीन ने मोटरसाइकिलों को ढकेलते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे पर बरहमी का इजहार। कीमतों में कमी करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा। लायंस क्लब बोधन ने 5 कंसेंट्रेटर्स मंगवाए। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इन कंसेंट्रेटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि इससे कोरोना के मुतासरीन को जबरदस्त राहत हासिल होगी। कोरोना की वबा और लॉकडाउन ने मुल्क की अवाम को माशी बदहाली का शिकार बना दिया। जरूरत थी कि मरकजी हुकूमत फलाही स्कीम से अवाम को राहत फ्राहम कर दी मगर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। उबैद बिन हमदान का बयान। अब खबरें तफसील से। एमएलसी कविता के दौरे निजामाबाद के मौके पर अवाम की एक बड़ी तादाद ने इनसे इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और अपने मसाइल की एक सुई के लिए इनको दरख्वास्तें पेश की। एमएलसी कविता ने बगौर अवामी मसाइल की समाअत की और मुमकिन एक सुई का तयखुन दिया। निजामाबाद एमएलसी के कविता निजामाबाद के दौरे पर है। इस दौरान वो अपनी क़यामगाह में अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम की बड़ी तादाद ने इनसे मुलाकात करते हुए इनको अपने मसाइल से वाकिफ करवाया और इन मसाइल की एक सुई के लिए दरख्वास्तें पेश की। एमएलसी कविता ने इंतहाई दिलचस्पी व इन्हमाक से अवामी मसाइल की समाअत की और इन मसाइल की एक सुई का तयखुन दिया। एमएलसी के कविता की एक खासियत है कि वो अवाम के दरमियान पहुंच जाती है और इनके मसाइल की बगौर समाअत करती है और इनके एक सुई के संजीदा इकदाम करती है। यही वजह है कि अवाम की भीड़ अपने मसाइल की एक सुई के लिए इनकी मुंतजर रहती है और जैसे ही वो निजामाबाद आती है इनसे नुमाइंदगी करती है। अवाम के मसाइल को एमएलसी कविता संजीदगी से खुशदिली से बगौर समाअत करती है और बाज़ उमूर पर सवालात भी करती है और उसके बाद इन मसाइल की मुमकिन एक्सवी करवाती है जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत में हर आए दिन इजाफा होता जा रहा है। लायंस क्लब बोधन की जानिब से 5 कंसेंट्रेटर्स मंगवाए गए। अवाम को जरूरत के मौके पर ये कंसेंट्रेटर मुफ्त सरबराह किए जाएंगे। इस्तेमाल के बाद इनको वापस देना होगा। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इन कंसेंट्रेटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और क्लब की जबरदस्त सताइश की। बोधन लायंस क्लब की जानिब से कोरोना से मुतासिर मरीजों को ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने के लिए 5 कंसेंट्रेटर्स मंगवाए गए। लायंस क्लब के आई हॉस्पिटल में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इन 5 कंसेंट्रेटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि मुल्क ने कोरोना के कहर का सामना किया। इस मौके पर ऑक्सीजन की किल्लत का मसला दरपेश हुआ लेकिन बर वक्त हुकूमत और फलाही तंजीमों ने ऑक्सीजन का इंतजाम करते हुए अवाम को राहत फ्राहम की और अब लायंस क्लब की जानिब से 5 कंसेंट्रेटर्स मंगवाए गए जो जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त सरबराह किए जाएंगे। जरूरत पर कोई भी इन कंसेंट्रेटर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं मगर लाजमी है कि जरूरत की तकमील के बाद फौरी इन कंसेंट्रेटर्स को वापस कर दिया जाए ताकि फिर किसी दूसरे जरूरतमंद को फ्राहम किया जा सके। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने लायंस क्लब बोधन की जबरदस्त सताइश की और बताया कि लायंस क्लब हमेशा ही अवामी खिदमत में सरगर्म रहता है। कोरोना के मौके पर भी लायंस क्लब की जानिब से अवामी शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा हेल्थ कैंप और तिब्बी आलात का अतिया और दीगर खिदमत अक्सर व बेशतर लायंस क्लब अंजाम देता आ रहा है। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायद गिरदावर गंगा रेड्डी के अलावा लायंस क्लब के जिम्मेदारान बसेश्वर राव किशोर और श्रीनिवास और दिगर मौजूद थे। नियोजित वर्गम लोग लायंस क्लब वालों चेस्तुना सोशल वर्क मंची पनलु चाला हर्षणीय निजंगा वारिकी मेच्चुकुंटा उन्ना
वार दाता डोनर्स एवरते ह्यूमैनिटी गुरी आलोची कोविड टाइम यावत् प्रपंच परेशान भारत देश चाल मंदी पेद कुटुंबा ఆక్సిజన్ కొరత ఉండి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు బోధన్ ముందుకొచ్చి చాలా సంతోషమైన మంచి పని ఈ రోజు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ముందుకొచ్చి వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు నేను నా తరపున మరియు నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున మా నాయకుల తరపున ప్రత్యేక धन्यवाद। डिचपल्ली रेलवे स्टेशन के रूबरू वाके रामदेव जनरल स्टोर पर टास्क फोर्स और डिचपल्ली पुलिस का मुश्तरिका धावा। इस दुकान से 4.5 लाख रुपए मालियती गुटखा और तंबाकू पकड़ कर जब्त कर लिया गया और दुकान के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक इतला पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। डिचपल्ली मंडल मुस्तकर पर रेलवे स्टेशन के रूबरू वाके रामदेव जनरल स्टोर पर टास्क फोर्स ने डिचपल्ली पुलिस के ताउन से धावा करते हुए 4.5 लाख रुपए मालियती गुटखा बरामद करते हुए जब्त कर लिया। किसी नामालूम शख्स ने कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद को फोन करते हुए इत्तला दी थी कि डिचपल्ली की रामदेव जनरल स्टोर के जरिए गुटके की बड़े पैमाने पर फरोख्त अमल में लाई जा रही है। इस जनरल स्टोर के जरिए अतराफ के मुअज्जजात और मंडलों को गुटके की मुंतकली अमल में आ रही है। इस इत्तला पर कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने टास्क फोर्स को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर टास्क फोर्स सीआई शाकिर अली ने अपने अमले के साथ इस जनरल स्टोर पर धावा किया। इस मौके पर डिचपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर रघुनाथ और एसआई इंजीनियरों ने इनका जबरदस्त ताउन किया और इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस जनरल स्टोर से मुख्तलिफ अकसाम का 4.5 लाख रुपए मालियती गुटखा पकड़ा गया। इस धावे के दौरान गुटखे के अलावा तम्बाकू को भी जब्त किया गया और दुकान के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में डिचपल्ली सीआई रघुनाथ ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। समाचार वस्ते लोकल पोलीस टास्क फोर्स कंप्लेट जरूरी इक दादापू टू अंड हाफ वर्त लाख टू अंड हाफ लाख वर्त टोबाको रिटेड प्रोडक्ट जरूरी वाली केस चर्चा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा मरकजी हुकूमत की नाहली का सबूत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस कायदीन का बयान। आज निजामाबाद में कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई और एहतजाजी धरना मुनज़म किया गया। गैस की कीमतों में भारी इजाफे और महंगाई के बढ़ते हुए ग्राफ के खिलाफ आज जिला कांग्रेस सदर मनालम मोहन रेड्डी की क्यादत में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनाजम किया गया। कांग्रेस पार्टी ऑफिस से एक रैली मुनाजम की गई और तमाम रैली के शुरका अपने मोटरसाइकिलों को ढकेलते हुए एक तवील फासला तय किया और देवी रोड चौराहे पर वाक़े पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहाँ एहतजाजी धरना मुनाजम किया। इस धरने में वरंगल के साबिका रुकने पार्लिमान सिरसिल्लर राजिया और पीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में साबिका एमपी राजिया ने कहा कि बीजेपी हुकूमत तमाम मुआवजों पर नाकाम हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 7 सालों के अंदर दुगना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई में भी भारी इजाफा हुआ है और अब मुल्क में गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। जरूरत है कि मरकजी हुकूमत अवाम को भारी सब्सिडी फ्राहम करे और GST में कमी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे और अवाम को राहत फ्राहम करे। साबिक MP राजिया ने मजीद कहा कि मुल्क में कोरोना की वबा पर काबू पाने में रियासती व मरकजी हुकूमतें नाकाम हो गई, जिसकी वजह से बेशुमार अफराद को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा इन हुकूमतों को अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा और नाकामी की जिम्मेदारी को कबूल करना होगा। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने महज एक महीने में कई बार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा किया है। उन्होंने इन कीमतों में कमी करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। PCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मरकजी हुकूमत की नाहली करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम पर भारी माली बोझ आयद करते हुए अपने खजाने को भरना चाहती है। इस एहतजाज में PCC सेक्रेटरी माजिद खान के अलावा राम भोपाल, शेखर गौड़, इरफान अली, मोहम्मद ईसा, एम अजीम, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद जिया अहमद, मोइन यूनुस, मोहम्मद जाकिर हुसैन और दीगर शरीक थे।
देशव्याप्त बीजेपी प्रभुत्म वैफल्य निगड़ क्रिकेट रन रोजू नित्यम डीजिल पेट्रोल धरल पेरुता क्रमा चूस तरह कांग्रेस पार्टी देशव्याप्त निरसन को सम्यक पीपन जी आगे यह निजामाबाद जिला केन्द्र में पटना कांग्रेस अध्यक्ष मरी महेश बाबू कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन रेड्डी गारी आध्र्यन कांग्रेस श्रेणु कांग्रेस नायक कल कार्यक्रम से पड़ता कांग्रेस पार्टी जातीय पार्टी पे आठ गमन ప్రభుత్వం యూటర్న్ తీసుకొని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా మంది ఈ రోజు ఒక్క నెల రోజుల్లోనే 44 సార్లు 44 సార్లు పెంచినటువంటి ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే కేవలం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెరగడం ద్వారా ఓన్లీ ఆనాలకే కాదు అది నిత్యావసర వస్తువులపైన కూడా దీని ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हिदायत पर आज पूरे इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसी सिलसिले में निजामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भवन से होते हुए पेट्रोल बंक तक टू व्हीलर गाड़ियों को ढकल कर लेकर आया गया ताकि ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं गुज़िश्ता 5 महीने में 44 दफ़ा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है। ये मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय रेट बढ़ाने के आवाम को लूटने के दूसरा कोई काम नहीं कर रही है और ये जो रेट बढ़ते जा रहा है ये रेट कम करने का कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 2014 में 60 रुपये से 65 रुपये लीटर रहता था जबकि बैरल का रेट 55 रुपये रहता था लेकिन आज बैरल का रेट 45 रुपये है। उसके बावजूद भी यहाँ पर रेट में कोई कमी नहीं हो रही है और रेट 101.22 रुपये हो गया है सेंचुरी को छू लिया है। तो आवाम डिमांड कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी डिमांड कर रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए ताकि ये कांग्रेस पार्टी फिर आएंगी तो सारे पुराने टाइम जो पुराने दिन थे वो दिन फिर वापस आ जाएंगे। मुल्क की अवाम को कोरोना की वबा और लॉकडाउन ने माशी बदहाली का शिकार बना दिया। जरूरत थी कि मरकजी हुकूमत अवाम को फलाही स्कीमात के जरिए राहत फ्राहम करती मगर इसके बरक्स पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया गया। उबैद बिन हमदान का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की क्यादत में कांग्रेस भवन से रैली निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिलों को ढकेलते हुए कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बादशाह देवी रोड चौराहे पर वाक़ पेट्रोल पंप पर एहतजाजी धरना मुनजम किया गया। इस धरने में साबिका रुकन पार्लियामेंट वरंगल सिलसिला राजिया और PCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के रियासती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान भी मुस्लिम कायदीन के हमरा इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मुस्लिम अखिलती कायदीन में सैयद असलम, अफान बिन अब्दुल्ला, अजीज अंसारी, अब्दुल करीम, अबूद बिन अब्दुल्ला, जाहिद बिन अब्दुल्ला, अथर अली, मोहम्मद हसन, शेख वसीम और हबीब अली के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर उबैद बिन हमदान ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की अवाम गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से कोरोना की वजह से बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। इस दरमियान लॉकडाउन ने अवाम की माशी हालत को बर्बाद कर दिया और बेशुमार लोग बेरोजगारी का भी सामना कर रहे हैं। इस नाजुक व संगीन सूरत हाल के मौके पर जरूरत थी कि मरकजी हुकूमत अवाम को राहत फ्राहम करने के लिए महंगाई में कमी कर दी और मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाते हुए अवाम को राहत फ्राहम कर दी मगर इसके बरक्स पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया और सिर्फ 1 माह में 10 रुपये से जायद का इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों का असर बाजार पर मुरतब हुआ और महंगाई में भारी इजाफा हुआ। उबैद बिन हमदान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे और महंगाई पर काबू पाने के इकदाम करे। 1 महीने से देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 16 बार बढ़ाए हैं। ये बहुत शर्म की बात है।
देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो के पूरा देश कोरोना से परेशान है, ऐसे मौके पर तुम 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का मकसद क्या है? हम सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में $75 बैरल बिक रहा है और यहाँ पे 105 रुपये से पेट्रोल बढ़ाया गया, कितनी ख़राब बात है ये। पड़ोस के नेपाल देश में देखिए 65 रुपये से मिल रहा है, नेपाल से भी गए गुजरा हो गया आज हमारा देश, कितनी ख़राब बात है। आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में होना बहुत बदनसीबी की बात है और हम ये सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि जल्द से जल्द ये बढ़ाए हुए दाम कम करिए। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अखिलियती इलाके में असरी व जदीद आला से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी वरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरिलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। BJP हुकूमत के 7 साल दौर इख्तदार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है और महंगाई भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। हुकूमत फौरी इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी इख्तियार करे। ताहिर बिन हमदान का मुतालबा। सिरकुंडा मंडल मुस्तखर के पेट्रोल पंप पर कांग्रेस ने एहतजाजी धरना मुनज़्म किया। सिरकुंडा मंडल मुस्तखर पर कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल पंप पर एहतजाजी धरना मुनज़्म किया गया और मरकजी हुकूमत से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया गया। इस धरने की क्यादत सिरकुंडा मंडल कांग्रेस सदर रवि ने की, जबकि साबिका सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में ताहिर बिन हमदान ने मरकजी BJP हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2014 में जब BJP मुल्क में बरसर इख्तदार आई थी उस वक्त पेट्रोल की कीमत 60 रुपये थी जबकि डीजल की कीमत सिर्फ 47 रुपये थी, लेकिन सिर्फ 7 सालों में पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये का इजाफा हुआ और डीजल की कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया और सिर्फ मई के महीने में 10 रुपये का भारी इजाफा बतदरीज किया गया। इस तरह मरकजी BJP हुकूमत अवाम पर भारी माली बोझ आयद कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुलंदबांग दावे करते हुए अवाम को झांसा दे रहे हैं। मौजूदा तबाहकुन सूरत हाल से अवाम को बशऊर करने की गर्ज से कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म कर रही है। उन्होंने बताया कि हर मंडल सतह पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत को अवामी जज्बात व एहसास से वाकिफ करवा रही है। ताहिर बिन हमदान ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करे और महंगाई पर काबू पाते हुए अवाम को राहत फराहम करे। केंद्र प्रभुत्वानिकी
పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలకు నిరసనగా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల నేను వేరే విషయాల్లోకి పోకుండా సూటిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఈ ఒకే ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాం. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని 55-60 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తే ఈ దేశంలో సూది కూడా ఉత్పన్నంగానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దేశానికి అన్ని రంగాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు తీసుకుపోయిన సందర్భంలో ఈరోజు ప్రజల నిత్యావసర అవసరాలకు రైతాంగానికి ముఖ్యంగా ప్రజలు ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువులకు ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల వారి మీద పడ్డ భారం ఈ 7 సంవత్సరాల్లో 2014లో మోడీ గారు అధికారంలో రాకన్న పూర్వం पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ आर्मूर में कांग्रेस का एहतजाज. एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया. कांग्रेस के रियासती कायद ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है और आवाम जल्द ही इसको बेदखल कर देगी. आर्मूर कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनाजम किया गया और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया. इस एहतजाजी प्रोग्राम में किसान खेत कांग्रेस के रियासती सदर अनवेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम शुरका में आर्मूर कांग्रेस सदर जीवन, साबिक MPTC मीर रहमत अली माजिद, शेख बबलू, साबिक फ्लोर लीडर महमूद अली, सीनियर कायद बाबा खान और मोहम्मद उस्मान हुसैन के अलावा दीगर शामिल थे. इस मौके पर अनवेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकजी BJP हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है और जल्द ही अवाम खुद ही इस हुकूमत को सबक सिखाएगी और इख्तदार से बेदखल कर देगी. उन्होंने कांग्रेस के मुल्क में तवील तरीन इख्तदार को मुल्क की तरक्की का दौर करार दिया और कहा कि अब महज 7 सालों में BJP हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया. मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के अलावा पकवान गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जबकि महंगाई में भी भारी इजाफा होता जा रहा है. अब गरीब आवाम का जीना मुश्किल साबित हो रहा है. उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे और आवाम को राहत फ्राहम करे. BJP हुकूमत के बरसर इख्तदार आने के बाद से अब तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये के लगभग इजाफा हुआ, जिसका बाजार पर असर पड़ा और महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है. मरकजी हुकूमत से इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी का मुतालबा. बांसवाड़ा में पेट्रोल पंप के रूबरू यूथ कांग्रेस का एहतजाजी धरना. हल्के असम्बली बांसवाड़ा के साबिका यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बी रमेश की क्यादत में बांसवाड़ा के एक पेट्रोल पंप पर एहतजाजी धरना मुनजम किया गया और डीजल व पेट्रोल की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से इन कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया गया. बी रमेश ने कहा कि BJP के बरसरे इख्तदार आने के बाद से अब तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया गया और ये इजाफा 40 रुपये के लगभग हो चुका है. इतना भारी इजाफा अब तक की किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ था. पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई और इसका असर बाजार पर मुरतब हुआ और हर शय की कीमतों में इजाफा हुआ है. तरकारी, अजनास और रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर शय की कीमत अब दुगनी हो चुकी है और इस शदीद महंगाई में गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है. लेकिन मरकजी हुकूमत आवाम की मुश्किल को समझने या उसकी यकसुई करने का कोई जज्बा नहीं रखती. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इन इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी इख्तियार करे और महंगाई पर काबू पाने के इकदाम करे. उन्होंने कहा कि जल्द ही अवाम BJP हुकूमत का मुहासबा करेगी और उसको इख्तदार से बेदखल कर देगी. इस धरने में जिला सेक्रेटरी सुरेश बाबू, किसान खेत कांग्रेस के मंडल सदर गंगप्पा के अलावा बी लक्ष्मण, मैनरिटी सदर मुजीब और दिगर कायदीन व कारकुन शरीक थे. PCC చీఫ్ ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంపుకు నిరసనగా ఈరోజు పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం BJP ప్రభుత్వము ప్రతి రోజు ఇలా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచుకుంటూ పోతూ సామాన్య మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా అవుతుంది. ఏదైతే వ్యవసాయదారులకి అదేవిధంగా వాహనదారులకి మధ్యతరగతి సామాన్యులందరికీ ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం మూలంగా ప్రతి ఒక్కరికి భారంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం BJP అధికారంలో వచ్చినప్పటి నుంచి
అరవై రూపాయలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పెట్రోల్ రేటుని ఈరోజు 101 రూపాయిగా వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇట్లా ప్రతిరోజు ఇట్లా పెట్రోల్ రేట్లు డీజిల్ రేట్లు పెంచుకుంటూ పోతే కేంద్రం పెంచుకుంటూ పోతే ఈరోజు సామాన్య మధ్య తరగతి అదే విధంగా प्रति बल्दिया की जानिब से पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करवाने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा। ड्राइवर्स पर माली बोझ आयद हो रहा है। बल्दिया की जानिब से मैकेनिक शेड कायम करने और सर्विस सेंटर्स और एयर सेंटर का आगाज करने का सीआईटीयू ने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया। कमिश्नर बल्दिया ने मुमकिन कार्रवाई का तय खुन दिया। सीआईटीयू की जानिब से मलियाला गोवर्धन की क्यादत में कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया, जिसमे बल्दिया की पुरानी गाड़ियों की मरम्मत के लिए ठोस इकदामात की जरूरत पर जोर दिया गया। इस सिलसिले में मलियाला गोवर्धन ने बताया कि निजामबाद बल्दी हुदूद में तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाने और सफाई के नज्म को मौसर बनाने के लिए मुतादित इकदामात किए जा रहे हैं। इस तरह सफाई के शोबे की खिदमात को मौसर बनाने की गर्ज से कई नई गाड़ियाँ मंगाई गई है, जिसके बाद से पुरानी गाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा, जबकि ये गाड़ियाँ अब भी अवामी खिदमत में सरगर्म है। इन गाड़ियों पर खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर गाड़ियों में कोई काम निकलता है या फिर टायरों में हवा भरवानी होती है तो इसके लिए ड्राइवर्स को अपनी जेबों से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बसूरत दिगर इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा ड्राइवर्स मजबूरी में इन गाड़ियों की मरम्मत करवा रहे हैं और माली मुश्किलात का शिकार बन रहे हैं। लिहाजा आज सीआईटीयू की क्यादत में ड्राइवर यूनियंस ने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि बल्दिया की जानिब से मैकेनिक शेड्स कायम किए जाएं और इसमें सर्विस सेंटर्स और एयर सेंटर्स कायम किया जाए, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुनासिब कार्रवाई का तय खुन दिया। निजामाबाद नगर समग्राभिवृद्धि कोसम अदे विधा नगरा शुभ्रंगा उंचडं कोसम गल्ली गल्लीलल्लो ड्राइवर्लु वाहनालनु तीसुकोनी वेल्तुन्न परिस्थिति उन्नदी। अदे विधंगा ई रोजु नगरान्नि शुभ्रंगा उंचडं कोसम पात वाहनालकु तोडुगा अदनंगा कोत्त वाहनालनु कूडा तीसुकोच्चिंद्रु। కానీ ఈ రోజు పాత వాహనాలు చెడిపోవడంతోటి ఆ వాటిని రిపేర్ చేయలేక కూడా అనేక వాహనాలు కూడా మూలన పడిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది। దానివల్ల కార్మికులు కూడా ఉపాధి కోల్పోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి పాత వాహనాలని గాని కొత్త వాహనాలని గాని ఈ రోజు రిపేర్ చేయించుకోవాలంటే కూడా కార్మికులు తమ జేబుల్లో నుంచి అప్పటిదప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చేయించుకోవాలంటారు, కాబట్టి జేబుల్లో నుంచి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చేయించుకుంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం कमिश्नर गार कल डीआरसी पैधि मेकानिक शेड अदे विधा सर्वीस सेंटर अदे विधा एयर चेकअप कोसम अट्ला सेंटर एर्पट्टे कोर जी अभी विधाल समस्या लेकिन पंचपे दी तोड़गा को मंदिर नायक लेनी अपोल तो अधिकार पैना लेनी मटल अन मे दैवल मे खुना इला दैवल पैन उत्ति मल्ल वेधिंप स्टार्ट दयचे इलांट दाखी सहकारी को अलागे मैं अधिकार तपा सर लेडर तपा सर वाले चर्चा रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील करे और नंदीपेट को बल्दिया का मौकूफ अता करे। रियासती हुकूमत ने भीमगल के साथ नंदीपेट को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा देने का तय खून दिया था, मगर बाद में नंदीपेट को नजरअंदाज करते हुए उसे तरक्की से महरूम कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के मंडल सदर राजू ने रियासती हुकूमत से नंदीपेट को बल्दिया का दर्जा देने का मुतालबा किया। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर वाक़े बीजेपी पार्टी ऑफिस में मंडल सदर ए राजू की क्यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमे मीडिया से बात करते हुए ए राजू ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि नंदीपेट को म्युनिसिपैलिटी का मौकूफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हल्के असम्बली आरमूर में आरमूर शहर के बाद दूसरा बड़ा तिजारती मरकज नंदीपेट है। इसकी अहमियत को पेश नजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने भीमगल और नंदीपेट को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा देने का ऐलान किया था, मगर बाद में भीमगल को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया मगर नंदीपेट को नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह नंदीपेट के साथ रियासती हुकूमत ने नाइंसाफी की और इसकी तरक्की की राहों में रुकावट पैदा कर दी। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने नंदीपेट में बस डिपो कायम करने का भी वादा किया था, लेकिन बादिजा ये वादा भी बर्फदान की नजर हो गया।
इस तरह नंदीपेट के साथ सरी लापरवाही की गई। ए राजू ने कहा कि नंदीपेट को मेजर ग्राम पंचायत का मौकूफ दिया गया, जबकि नंदीपेट की आबादी किसी शहर की तरह वसत इख्तियार कर चुकी है और अतराफ के मुआवजात के लोग नंदीपेट में बोदोबाश इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह नंदीपेट की आबादी में इजाफा हो रहा है। जरूरत है कि इसको फौरी म्यूनसिपालिटी का दर्जा दिया जाए, इससे नंदीपेट की हमाजहत तरक्की होगी और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की राहें हमवार होगी। उन्होंने बताया कि नंदीपेट के अतराफ 33 मौजे जाते जो नंदीपेट से वाबस्ता है और नंदीपेट पर ही इन्हेसार करते हैं। नंदीपेट को म्यूनसिपालिटी का मौकूफ देने से इसको जायद फंड्स हासिल होंगे। इस तरह कई मौजेजात को इससे मरबूत किया जा सकता है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने वादे की तकमील करे और फिर फौर नंदीपेट को बल्दिया का मौकूफ अता करे। बसूरत दिगर बीजेपी शदीद एहतजाज मुनजम करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJYM के जिला नायब सदर नागा सुरेश, MPTC अरुणा चौहान, जनरल सेक्रेटरी पटेल राजू के अलावा ए रमेश श्रीनो और दिगर शरीक थे। निजामाबाद जिला अतिपेद मंडल नंदीपेट मंडल 33 ग्रामों तो नंदीपेट मंडल गत पालक नंदीपेट मंडल नीचे डोंकेश्वर ग्राम नूतन मंडल का तीर्चिदी अलागे నందిపేట అనేటువంటి పట్టణ కేంద్రాన్ని మున్సిపాలిటీగా చేస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చారు. ఆ రోజుల్లో భీమగల్ని ఇటు నందిపేటని మున్సిపాలిటీగా చేస్తానని హామీ ఇచ్చి భీమగల్ని వేసి నందిపేటని పట్టించుకోకపోవడం జరిగింది. ఈరోజు అన్ని రకాలుగా వసతులు ఉన్నాయి ఈ నందిపేట గ్రామం. ఇంత పెద్దదైనటువంటి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ, ఈ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో చాలా చాలా నిధులతో నందిపేట పట్టణం అభివృద్ధికి నోచుకోబోతుంది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే అతిపెద్ద మండలంగా పేరుగాంచినటువంటి నందిపేట మండలం గత 25 సంవత్సరాల నుంచి సుమారు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 60-70 గ్రామాలకు సెంటర్గా ఉంటూ ఈ గ్రామం నందిపేట గ్రామము ఒక అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతూ ఒక పట్టణంగా రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది. మరియు వ్యాపార లావాదేవీలు కానీ జనాభా పరంగా చూసినా కానీ ఇది అతిపెద్ద మార్కెట్గా జిల్లాలోనే వెలుగొందుతున్నది. ఆర్మూర్ తర్వాత పెద్ద మార్కెట్గా నందిపేట మార్కెటే ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా జనాభా పరంగా చూసినట్టయితే గత 25 సంవత్సరాల నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల వారు కానీ వేరే ప్రాంతాల నుంచి కానీ జీవనోపాధి కోసము అనేక కుటుంబాలు నందిపేట గ్రామానికి వలస వచ్చి ఇక్కడ ఉపాధి మార్గాన్ని వెతుక్కుంటూ అభివృద్ధి లోపల ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. ఇక్తదాం సే ఖబర్ హెడ్లైన్. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ निजामाबाद में कांग्रेस का एहतजाज. एहतजाजी कायदीन ने मोटरसाइकिलों को ढकेलते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया. जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे पर बरहमी का इजहार. कीमतों में कमी करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा. लायंस क्लब बोधन ने 5 कंसंट्रेटर्स मंगवाए. MLA मोहम्मद शकील आमिर ने इन कंसंट्रेटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया. कहा कि इससे कोरोना के मुतासरीन को जबरदस्त राहत हासिल होगी. कोरोना की वबा और लॉकडाउन ने मुल्क की अवाम को माशी बदहाली का शिकार बना दिया. जरूरत थी कि मरकजी हुकूमत फलाही स्कीम से अवाम को राहत फ्राहम कर दी, मगर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया. उबैद बिन हमदान का बयान. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज़.